देखिए हम लोग सक्सेस का बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर करोड़ों की हम लोग बात करने जा रहे हैं, कर रहे हैं तो ये स्पीड से तो हम लोग को मैंने हजार भी नहीं होगा। तो वन सेकेंड गुड आफ्टरनून। देखिए कमाने से पहले अपना बॉडी से इतना वाइब्रेशन निकलना चाहिए कि करोड़पति खुद पर खुद ही हम लोग बनेंगे। अगर इस तरह का हम लोग एटीट्यूड रहेगा तभी बनेंगे, ठीक है? तो यस और नो? तो मैं आप लोगों का हाफ एन आवर या मैक्सिमम 35-40 मिनट लूंगा और मैंने एक ही बार बोलूंगा कि मैं करीब 15 साल से स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा हूँ और कैसे अपनी जिंदगी चेंज हो गई है इसी के बारे में मैं कुछ बात बोलूंगा। देखिए और एक बात बोलूंगा, स्मार्ट वैल्यू क्या है नहीं है दादा ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया, लेकिन मैं जो टॉपिक पर बात करूंगा मैं कुछ टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। ये जो बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है सिर्फ इसी लाइन के ऊपर मैं बात करने का कोशिश करूंगा। तो आज जो हम लोग का ट्रेनिंग जो हो रहा है यहाँ पर, जो दीपक जी ने ट्रेनिंग जो रखा है और इनका टीम जो ने ट्रेनिंग जो रखा है, कि ट्रेनिंग का एक टैगलाइन उन्होंने दिया है, क्या दिया है? जीत के लिए। इस जुनून से क्या मिलेगा? इसे तो भीखा भी नहीं मिलेगा, भीख भी नहीं मिलेगा। जीत के लिए, जीत के लिए। जुनून ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाला भी देखे कि हाँ ये लोगों में जुनूनी है। जुनून किसके प्रति होना चाहिए? जुनून हमारे सक्सेस के प्रति होना चाहिए। जुनून किसके प्रति होना चाहिए? हमको जो जिंदगी में चाहिए उसके प्रति जुनून चाहिए। बिना जुनून का, बिना मोटिवेशन का आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके नसीब में कुछ लिखा भी हुआ है, अगर आप जुनूनी नहीं है, आपके अंदर में पागलपन नहीं है, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो पहला सबसे पहली बात क्या करना है? तो जीत के लिए हम लोगों के लिए क्या चाहिए? ये 2000 लोग बैठे हुए हैं और इतने मैंने दबे हुए आवाज में बोल रहे हैं कि आप जिंदगी में तो कुछ होने वाली नहीं है, ऐसा एटीट्यूड है। सक्सेस आपको लेना है, एटीट्यूड निकालना पड़ेगा। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो जीत के लिए क्या चाहिए? जीत के लिए क्या चाहिए? अरे जुनून है, अरे पागलपन है। स्टेज पर मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा सक्सेस खुदा में भी नहीं है, दम के आपका सक्सेस आपका ले। अरे पागलपन है, हम लोग मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना हक छीन लेना है। क्या करना है? अपना हक छीनना है। बिना छीने हुए आपके जिंदगी में कुछ नहीं मिला मिलने वाला है। स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छी कंपनी है, स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छी कंपनी है। किसी से मिला बोला स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छी कंपनी है, इनकी सन देती है, पैसा देती है। काम करेगा आपके साथ? काम करेगा? नहीं काम करेगा। वही आदमी जब किसी दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेगा तो आप अपने सीनियर को जाकर के बोलोगे कि भैया उसने मेरा ज्वाइनिंग मार लिया, उसने ज्वाइनिंग मार लिया, मैं आपने ज्वाइनिंग को दे दिया। क्या किया आपने? आपका पुअर एटीट्यूड है, पुअर सोच है, आप सोच नहीं पाते हो। अरे अच्छी चीज है तो जोर से बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू फंटास्टिक कंपनी है। प्रेजेंटेशन करने की क्या जरूरत है? आप लोग बेवकूफ होकर 1.5 घंटा प्रेजेंटेशन करते हो। स्मार्ट वैल्यू वंडरफुल कंपनी है। वो आदमी सोचेगा अरे भाई इतना आदमी पागल क्यों है, इतना जोश कराते हैं इस कंपनी में, तो सक्सेस मिले चाहे नहीं मिले, इतना जोशीला है, इसी के लिए ज्वाइन कर जाएगा। अच्छे से अच्छे लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन आज तक किसी के अंदर में इतना दम नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए और बोले कि स्मार्ट वैल्यू नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और मैं राह चलते लोगों को ज्वाइन कराता हूं। तो ये क्या है? पागलपन होना बहुत जरूरी है, जुनूनी होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ चाहिए उसके लिए हमको भागना है, दौड़ना है, लड़ना है। ये एटीट्यूड जब तक नहीं रहेगा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरा भी कुछ भी नहीं होने वाला अगर हम नहीं करता तो। ये चीज बहुत जरूरी है। और उसके बाद में क्या है, हम लोग सक्सेस क्यों नहीं होता? गोवा जाएंगे, जाएंगे थाईलैंड, जाएंगे जाएंगे। कैसे जाएंगे थाईलैंड? प्लेन से जाएंगे। मलेशिया जाइएगा, जाएंगे। काम करेंगे,
जिक्र नहीं करेंगे। होगा जिंदगी में मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, फौरन से चाहिए, इधर से चाहिए, उधर से चाहिए, काम करेंगे नहीं चाहिए आपको ठेंगा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना काम किए हुए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो काम करेंगे, काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, गोवा के लिए करेंगे, थाईलैंड के लिए करेंगे, मलेशिया के लिए करेंगे, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। करेंगे तो देखिएगा कैसे होगा। और काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा? अरे लल्लू का हुआ, पंजू का हुआ, मोटा का हुआ, काला का हुआ, छोटा का हुआ, बड़े का हुआ, तो मेरा क्यों नहीं हुआ? स्मार्ट मीटर सभी को दिया, दिया कि नहीं? तो आपको क्यों नहीं देगा? देगा, लेकिन उसके लिए अगर प्रॉपर तरीका से अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर तरीका से काम करना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात है, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूं, इस मेंटेलिटी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, इस मेंटेलिटी को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। यहां पर 2000 लोग बैठे हैं, 2000 लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग विदेश जा पा रहे हो? आप लोग विदेश जाओगे? जाओगे? बोलना है एक एक ऊपर में एक आदमी स्टेज पर खड़ा होकर के पूछ रहा है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है, बोलना है। दिल मान रहा है? नहीं मान रहा है मेरे भाई, दिल मानता ही नहीं है। जब तक दिल मानेगा नहीं अपना कुछ होने वाला भी नहीं है। दिल को मनाना पड़ेगा कि बेटा सबका हुआ तेरा भी होगा, होगा तेरा भी टाइम आ रहा है, होगा होगा होगा, ये मनाना पड़ेगा। क्यों नहीं मानता मेरा दिल? मैं किसान का लड़का हूं, मैं गरीब लड़का हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरा सक्सेस कैसे होगा? तब आपका सक्सेस कैसे होगा? मैं गरीब हूं या पैसे वाला हूं, मोटा हूं या नाटा हूं, काला हूं या गोरा हूं, इंग्लिश बोलने आती है, हिंदी बोलने आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मार्ट वैल्यू के अंदर में उसी को सक्सेस मिलता है जिसका सोच बड़ा होता है। अगर आपका सोच बड़ा है तो सक्सेस भी आपको मिलेगी। सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक दबे हुए जगह में है, एक गांव में, एक छोटे से एरिया में हम लोग दबा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको हम लोग तोड़ देके निकलना पड़ेगा। इस जंजीर को जब तक नहीं तोड़ोगे, इस बैरियर को जब तक नहीं छोड़ोगे, जिंदगी में सक्सेस होने वाला नहीं है। पहला नंबर ये अपने आज से सोचो, और अभी जो सोचो मैं तो साला राजा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये जब से सोचना स्टार्ट करोगे सक्सेस अपने आप मिलेगा। सोच को बदलना पड़ेगा। आप गरीब कोई आदमी है तो क्यों गरीब है? फिर पैसा वाला है तो क्यों पैसा वाला है? इसलिए पैसा वाला है, गरीब गरीबी इसलिए है क्योंकि गरीब आदमी जो है वो गरीबी के बारे में सोचता है और पैसा वाला आदमी पैसा के बारे में सोचता है। इसलिए पैसा वाला आदमी पैसा वाला होता है, गरीब आदमी गरीबी की तरफ ले जाता है। तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? पैसा। अपन को क्या मांगता? माल मांगता, मनी मांगता, मांगता है तो ये सुनो, किसी के बारे में सोचेंगे? मैं गांव से हूं, छोटा हूं, नाटा हूं, काला हूं, की फर्क पड़ता है भैया, है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? रंग से कहां लेना देना है। एक इसका बीमारी मेरे को भी था, मैं छोटा सा गांव का लड़का हूं, इंग्लिश बोलने आती नहीं है, शहर में कभी रहा नहीं हूं, मेरा सक्सेस होगा? मैं विदेश जाऊंगा? लेकिन जिस दिन से मैंने सोचना स्टार्ट किया उसके बाद में विदेश की छड़ी लग गई और आज तक ही जाते जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना पड़ेगा। मेरा बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? सोचना पड़ेगा कि मेरे को यहां से निकलना है। यहां पर हम लोग यंग लड़का बैठा हुआ है, पूरा यंग है, मैक्सिमम लोग यंग है। दुनिया में जो भी परिवर्तन आज तक आया कोई बूढ़ा आदमी परिवर्तन लेकर के नहीं आया। जब भी दुनिया में कोई नया परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, यंग ब्लड लेकर के आया है। ये जो जवान लोग हैं इन लोगों ने लेकर के आया है। तो हम लोग दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता?
ला सकते कि नहीं ला सकते? तो सोचना पड़ेगा अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना है। जो भी करना रहेगा वो मैं करूंगा, तभी होगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बार बार बोल करके जा रहा हूं, आपको प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से आती है वो लोग तो नहीं देखता है। आप कितने अच्छे बोलते हो लोग नहीं देखता है, लोग आपका यही देखता है आपका सोच कितना बड़ा है, आपका एटीट्यूड कैसा है और आप कैसे काम करते हो, कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हो, इस पर लोग ध्यान देते हैं। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो आपका सोच को बड़ा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं होने का है। मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, आप बोलेगा बिजनेस तो हो ही नहीं है, मोटरसाइकिल हो गई, फटफटिया हो गई, मोबाइल हो गया, विदेश हो गया, एक छोटा सा घर कर लिए, ये सक्सेस स्मार्ट वैल्यू का नहीं है। सक्सेस स्मार्ट वैल्यू का उस दिन बोलते हैं, आप ना आपके लिए एक टेंशन रह हो जाएगा ना कि खर्चा कहाँ करे क्या करे, अब पैसा आपके लिए टेंशन हो जाएगा, वो दिन आ जाएंगे, उसको बोलते हैं सक्सेस। मैं ये कैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ, मैं बहुत गरीब घर के लड़का हूँ, बहुत गरीब घर के, 3 भाई एक बहन, साले खाने के भी लाले पड़े थे। वहां से फैमिली से मैं उठ करके आया हूं, आज मैं 30 लाख से ज्यादा कॉस्टली गाड़ी पर चलता हूं, खाने के लाले है, 3 टाइम में नसीब नहीं होता था 3 टाइम खाना, उस फैमिली से मैं आया हूं। और आज मैं स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से 2500 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं और 31 लाख की गाड़ी पर चलता हूं और 1 करोड़ के अपार्टमेंट में रहता हूं, इसी स्मार्ट वैल्यू ने दिया। तो 3 जो हम लोग 3 भाई और 1 बहन थे, खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, तो वहां से उठ करके कैसे आए? सोचना पड़ेगा कि जिंदगी भर गरीबी में मरना है, तिल तिल करके ना, 1 बार 2 साल 5 साल 10 साल काम करके जिंदगी बेहतरीन जीना है, डिसीजन आपको लेना है। मैंने डिसीजन ले लिया, मैं काम करता हूं, आज मैं सब कुछ कर सकता हूं, बनारस में आना नहीं आना है मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा, क्या करोगे आप? मेरी मर्जी, मैं आऊं या ना आऊं क्या करेगा? कुछ कर सकते हो? मैं एसी से आऊंगा, नॉन एसी से आऊंगा, प्लेन से आऊंगा, क्या आऊंगा? मैं ये भी कर सकता हूं, मेरा डिसीजन, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आज के दिन में मैं एक काम में मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं, नहीं, नहीं रोक पाऊंगा, जानते हो क्या है? क्या है जानते हैं? वो है इनकम। मैं चाहूं या ना चाहूं, मेरी इच्छा हो या ना हो, मैं हैप्पी हूं, सैड हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इनकम लेना पड़ेगा। कोई घर में किसी का जन्म हो गया तभी भी इनकम लेना है, किसी का देहांत हो गया तभी भी इनकम लेना है, किसी की शादी हो गई तभी भी इनकम लेना है, किसी की सगाई हो गई तभी भी इनकम लेनी है, कुछ भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, हमको इनकम लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक मजबूर आदमी हूं। मजबूरी क्यों हूं? ये सजा मेरे को क्यों मिलती है? स्मार्ट वैल्यू के अंदर में मैं ही कूद करके साइन किया था, राजू कुमार सिंह, ले बेटा भोगो। हम भोग कर भोग रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, फिर भी लेना पड़ता है, क्या करूं? अगर गलती की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपने तो स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने का जो गलती किया है, जो गलत काम किया है, आने वाला 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के अंदर में स्टेज पर खड़ा होकर के आप लोग भी रोएंगे, मैं बहुत मजबूर हूं, पैसा बाहर आपका लेना पड़ेगा। दीपक जी को बहुत मैंने दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, जानते हैं क्यों? क्योंकि दीपक ने मेरे को यहां पर बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? ट्रेनिंग दूंगा इसलिए अच्छा लगा? नहीं, मेरा 2 दिन काम करूंगा ये देख करके अच्छा लगा। आज के मेरे पास में क्या क्या नहीं है? मेरे पास में गाड़ी है, घर है, हर हफ्ते पैसे आते हैं, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे जो खाना है मैं खा सकता हूं, जो पहनना है मैं पहन सकता हूं, जो इच्छा है मैं कर सकता हूं, लेकिन आज के दिन में एक काम मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास में कोई काम ही नहीं है। मेरे पास में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है? इसलिए मेरे पास में काम है नहीं है,
कि मैं काम करूं या ना करूं मेरे काम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, करीब करीब 2.5 लाख लोग मेरे नीचे काम करता है, मैं काम करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? मैं अगर 10 घंटा काम करता हूं ठीक है, 10 घंटा मेरा कम होगा काम, लेकिन 2.5 लाख आदमी, 5 लाख हाथ मेरे मेरे साथ काम कर रहा है, तो मेरे काम करने और नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है? तो आज के दिन में मैं सबसे, मैंने इस हॉल के अंदर में 2-4 लोग और भी हैं इस तरह के, मैं सबसे बेवस आदमी हूं, सबसे बेकार आदमी हूं। मेरे को इनकम लेना है और काम नहीं करना है, ऐसा सिचुएशन आ गया है। लेकिन क्यों आ गया है? इसके लिए सिस्टम में 15 साल दिया है तब ये आया है। आपको ये चीज चाहिए? आपको बेकार होना है? अंदर रख लेगा, यही माल, यही तो हर पैसा घर का खर्चा चलाता है। मेरी बीवी बार बार बोलती है, कभी कभी मैं घर में रहता हूं ना तो बीवी बोलती है, आपको तो कोई काम धाम है नहीं, खाली घर में बैठना है, टीवी देखना है। मैंने बोला कि अरे सुनती हो जी, ये पूरा घर तो बेकारी आदमी चलाता है, तुम्हारे 2 बच्चों का पेमेंट कौन करता है? बेकारी आदमी करता है। ये जो गाड़ी पर चलती हो, 20,000 रुपए जो ड्राइवर को मैं देता हूँ, बेकारी आदमी देता हूँ। मेरी बीवी भी जानती है कि बेकार है, जब उसको याद दिलाता हूं कि मैं ही करता हूं, तब तो उसको याद आता है सही पैसा तो यही कमाता है। मैं बाहर रहता हूं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? मेरे बेटा को खुशी होता है। क्यों? कि वो कार्टून आप मुझे देखता है। मैं जैसे जाता हूं, एक दिन वो कार्टून देख रहा था, मैंने उसको रिमोट लिया और मैंने न्यूज चैनल लगा दिया, बोला मेरा कार्टून लगा, मैं रोको बेटा थोड़ा न्यूज देख लेंगे, मेरा कार्टून लगा। 5 साल का है वो, रेत को करके ही बोलता है, अरे कार्टून लगाओ मेरा, हमारे बेटा थोड़ा न्यूज देख लेने, अरे तुम आप तो कोई काम है नहीं, तुम बाहर ही रहेगा, घर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही बेकार हूं, फैमिली वाला भी मान गया ये आदमी कोई काम का नहीं है, ये घर में ही बैठा रहेगा, है कि नहीं? दुनिया में कितना तलाक हो गया, कितना फैमिली में अलगाव हो गया, मेरा पति टाइम ही नहीं देता है, मेरा पति हमको टाइम ही नहीं देता है, एक प्रॉब्लम आता है कि नहीं? हर घर में है, इंजीनियर पति मिल गया है, लेकिन दिन भर सुबह निकलता है और शाम को घर वापस आता है, ऐसे आता है जैसे लगता है उसके साथ क्या क्या हो गया, आता है ना, आता है कि नहीं? ये सुन लो, उसको बीबी एक गिलास पानी देती है, 2 रोटी खाता है, सो जाता है, एक काम उसका कंटिन्यू चलते रहता कि चलता है ना? तो ये उसका क्यों चलता है? हमेशा बीवी को हमेशा एक ही बात है, कंप्लेन आता है मेरा हस्बैंड टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है। इसके लिए झगड़ा होता है, मैं सब कुछ हो जाता होता है। तो ऐसा क्या है? तो मैं बेकार हूं तो क्या मेरे घर में शांति है? शांति किसी के घर में नहीं होती है, हमारे घर में भी झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? मेरी बीवी बोलते काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, काम नहीं करता, दिन भर घर में बैठा रहता है। ये सुन लो, झगड़ा तो मेरे घर में भी होता है, लेकिन किस लिए होता है? मैं काम नहीं करता हूं इसलिए होता है। मुझे खुशी होती है इस बात करके कि मेरी पत्नी इसलिए झगड़ा करती है कि मैं उसको इतना समय देता हूं कि वो सपने में भी इस तरह का पति नहीं सोची थी। वो क्या सोची? मेरी पत्नी क्या सोची होगी जब वो शादी से पहले क्या सोचती होगी? एक पति होगा, सुबह नौकरी करने जाएगा, उसके लिए मैं उठूंगी, नाश्ता बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, फिर उसको भेजूंगी, वो शाम को हारा हुआ आएगा, उसको चाय कॉफी पूछूंगा। ये सुनो, एक ऐसा पति मिला घर से निकलता ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो सपना पूरा पलट गया कि नहीं? ये सुनो, तो ये है मजा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ये है मजा। आज मैं इसी कम उम्र में कैसा लाइफ लीड कर रहा हूं, रिटायरमेंट की। हमको लोग बोलते हैं भैया आप इतना एक्साइटेड क्यों रहते हो, आप नाचते क्यों हो, गाते क्यों हो? अरे बोलेंगे तो मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं गाऊंगा, तो तुम नाचोगे गाओगे? तुमको तो टेंशन है कि बच्चे का ट्यूशन कहां पढ़नी है, तुमको टेंशन है जिंदगी कैसे चलेगी, मेरे को क्या टेंशन है, मेरे को इसका कोई टेंशन ही नहीं है, तो मैं नहीं कूदूंगा, मैं नहीं फानूंगा, तो क्या आप फानोगे? ये सुनो भैया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वैल्यू में 10-15 साल समय देना पड़ेगा। आप सोचेंगे यार इतना समय क्यों दूंगा? स्मार्ट वैल्यू आप लोग कैसे करते हैं? स्मार्ट वैल्यू आप लोग कैसे करते हैं? ऐसे करियर करते हैं? तो
ऐसे करियर करते हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए, कम सुनता हूं मैं कान से, ऐसे करियर करते हो तो, ऐसे करियर करते हो तो, करियर का मतलब समझते हो क्या है करियर? दीपक भैया ने सिखा दिया, इस बात में करते करते इस बात में मेरा करियर है, करियर है, समझते हो? एक आदमी नौकरी करता है 25 साल की उम्र में, नौकरी उसको मिला, 60 साल के अंदर में रिटायरमेंट हुआ, उसका जॉब का करियर कितना साल का था? 25 साल में एंट्री किया, 60 साल में रिटायरमेंट हुआ, तो उसका करियर नौकरी में कितना दिन का रहा? कितना साल का? 35वां तो 35 साल हुआ तो। अरे कोई आदमी 20 साल में नौकरी करता है, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो उसका करियर कितना दिन का हुआ? 40 साल का हुआ। और आप अगर स्मार्ट बिल्लू एज ए करियर करते हो, अगर 20 साल में एंट्री करते हो, आपको भी अगर 60 साल में रिटायरमेंट होना है, तो स्मार्ट वैल्यू में आपका करियर कितने दिन का है? कितने दिन का है? सुनते सुनते मन भारी, 40 साल हो गया कि नहीं? इसका मतलब साफ जाहिर है कि हम लोग सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ और है। जब मैं सोचूंगा कुछ, बोलूंगा कुछ, करूंगा कुछ, तो सक्सेस भी नहीं आने का है। सक्सेस उस दिन आता है जो मैं सोचूंगा, मैं जो बोलूंगा और मैं उसी तरह एक्ट करूंगा, उसी तरह काम करूंगा, सक्सेस खुद पर खुद चलता आएगा। आपको बोलने में डर लग रहा है कि मैं 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया हूं, 60 साल की उम्र में रिटायर करूंगा, मेरा 40 साल स्मार्ट वैल्यू के अंदर में करियर है। आपका बोलने का हिम्मत नहीं है, और मेरे पास में बोलने का हिम्मत है कि मैंने 24 साल की उम्र में ज्वाइन किया था और मैं 60 साल में रिटायर करूंगा, तो रेस्ट ऑफ लाइफ मेरा इसमें करियर है। करियर, करियर है। क्यों आप लोगों को लगता होगा आप 11 पढ़े हो, 12 पढ़े हो, आप सब जानते हो? मैं नहीं जानता, मेरे पेट में एडुकेशन नहीं है, मैंने भी एमसीए की है, मेरे को भी एडुकेशन है पेट में। अरे आप लोगों को तो नौकरी मिले तो हॉल, अगर बाहर एक फॉर्म लगे सरकार बैठ जाए, 3000 रुपए की नौकरी है, दफ्तर में झाड़ू मारना है, आधा हॉल खाली हो जाए। इसलिए झाड़ू मारेंगे, लेकिन सरकार का झाड़ू मारेंगे। हम लोग वो आदमी है, जब हम लोग 2002 के अंदर में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया और जब नौकरी चल करके आ रही है, तो नौकरी के पिछवाड़े पर ऐसा दे मारा वो बाहर चल रही है। आज मैं रिटायरमेंट लाइफ इसलिए लीड करता हूं, आज बेहतरीन लाइफ में इसलिए लीड करता हूं कि मेरे अंदर में हिम्मत है कि नौकरी के पिछवाड़े पर दे मारूं, और मैंने मारा। और मेरे दोस्तों लोगों ने नौकरी किया, किसी की सैलरी 40,000, किसी की सैलरी 50,000, किसी की 60,000, कोई विदेश में है तो 1,00,000 रुपया, और मैं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया। आज 15 साल के अंदर मैं रिटायरमेंट की लाइफ लीड कर रहा हूं। मैंने दादा से बोला भी, मैंने बोला भी और आप लोगों को भी मैं बोल करके जा रहा हूं, 24 अक्टूबर 2025 को मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और स्मार्ट वैल्यू से, मैं एक्टिवली जो काम करता हूं एक्टिवली से मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। अभी तो मैं आ भी जाता हूं, 25 के बाद में मैं कोई भी कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, कोई प्रोग्राम वोग्राम नहीं करने वाला। अगर मुझे जीवन भर अगर इसी में काम करना है, जीवन भर अगर काम करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करूंगा? मैं 60 साल में रिटायर होता, मैं 5 साल बाद में रिटायर होगा, तो मेरा उम्र 44 साल का होगा, मान लेता हूं 45 पर कर लेता हूं राउंड में, तो मैं 60 साल में रिटायर होता, मैं कितने साल पहले रिटायर हुआ? 15 साल पहले रिटायर हुआ। 15 साल में क्या करूंगा? जीवन को जीऊंगा, जीवन को जीऊंगा। अब रिटायरमेंट 60 साल होने के वक्त में एक आदमी 15 से 20 साल जीता है, यानी मैं मेरा रिटायरमेंट लाइफ कितना, जितना दिन मैं रहा, मान लीजिए मैं 45 साल के उम्र में अगर रिटायर होता हूं, 15 साल पहले रिटायर हुआ, 15 साल और जीता हूं, तो जिंदगी में कितना साल रिटायरमेंट का मैं जीऊंगा? 30 साल। अगर मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है, ऊपर चंद्रगुप्त क्यों क्या बोलते हैं, जो हिसाब रखता है हम लोगों का, क्या बोलता है? यमराज। यमराज जब मेरे को उठा करके ऊपर लेकर के जाएगा, चित्रगुप्त के पास में साथ लेकर के जाता है, ऊपर लेकर के जाएगा, बोलेगा पहाड़ देखा? मैं कौन सा पहाड़ के बारे में बात बोलता है तू?
कौन सा कंट्री का बाहर बोल रहा है? इतना जिंदगी में मैं सब कुछ देख रहा, देख कर देख देख चुका हूं। समुंदर में गया है, कौन सा समुंदर का बात कर रहा है तू? पहाड़ देखा है, बर्फ देखा है, हमने बहुत जगह देखा है, तू कौन सा बात बोलता है? इस आदमी को स्वर्ग में भेजो। कहा भेजो? स्वर्ग का टिकट अगर लेना है तो स्मार्ट वैल्यू में रिटायरमेंट वाला लाइफ लीड करिए, आपका स्वर्ग का टिकट निकल जाएगा, आज कोई नहीं रुकने वाला है। तो इस तरह का जिंदगी जीना है हम लोग यहां पर, कमाने के लिए नहीं आया। कमाई तो मैं कहीं से भी करता, भगवान ने पेट में इतना एडुकेशन दिया है, कमाई तो मैं कहीं से भी करता। मैं इसलिए स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किया है ताकि मैं अपने जिंदगी को आराम से जी सकूंगा। और मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन कहां है? रिटायरमेंट लाइफ मैं यहां पर निकालूंगा, अपना गोवा में अपना घर रहेगा। क्यों गोवा मैंने सेलेक्ट किया? देखो, मेरे बीवी को समुंदर पसंद, मेरे बेटी को समुंदर पसंद, मेरा बेटा को समुंदर पसंद, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो तीनों का खुशी के लिए मेरे को मैंने गोवा सेलेक्ट किया है। 24 अक्टूबर ही क्यों लिया मैंने? 24 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, इसलिए लिया कि याद रहेगा। ड्रीम के साथ डेट ऐसा लगाइए जो आपको बार बार याद रहे। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर ही क्यों? लेकिन 24 अक्टूबर को मेरा बेटी का भी जन्मदिन है। 24 अक्टूबर को ही रिटायरमेंट क्यों? मेरे लिए यादगार रहेगा, लेकिन मेरा जन्मदिन, मेरा बेटी का जन्मदिन। और जिंदगी में एक आदमी कभी भी रिटायर नहीं होता है, वो रिटायर लाइफ लीड करूंगा यहां से, स्मार्ट वैल्यू से। ये तो सपना होना चाहिए ना जीने के लिए। जब आपके पास में सपने रहेंगे, आप अगर आप अच्छे सपने रहेंगे, आप कोई गलत काम नहीं करोगे। अपने रिटायरमेंट के साथ आप कोई गलत काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपने बेटी के सपनों के साथ आप गलत काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अपने बीवी के सपने के साथ गलत काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अपने बेटा के सपने के साथ गलत काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए नहीं करोगे क्योंकि इनकी खुशी आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए नहीं करो। ये चीज बहुत जरूरी है। 24 अक्टूबर ताकि मेरा लकी नंबर है 6, 2 + 2, 2 + 4 = 6। मेरा फ्लैग का नंबर कितना है? 402, 4 + 0 + 2 = 6। मेरा 6 नंबर है। मैं अपना जो गाड़ी निकाला था, सेंट्रो गाड़ी, कब निकाला? 6 तारीख को निकाला। मैं आपका 6 फरवरी को फोर्ड एंडेवर निकाला। शादी किस दिन किया? 6 जून को किया। 6 इज माई लकी नंबर, लकी नंबर, इसलिए किया। पर ड्रीम के साथ इस तरह नहीं रहेगा ना, आप नहीं कर पाओगे। आपका सपना होना ही चाहिए, अगर बेहतरीन सपना होना चाहिए तभी आपका होगा। अगर सपना नहीं रहेगा तो जिएंगे किस लिए? किस लिए जिएंगे? भगवान उठा ले, क्या करेंगे? सपना होना चाहिए, हर आदमी का एक अपना सपना होना चाहिए, जिसके लिए आप पीछे भागोगे तभी पॉसिबल है। लेकिन मैं जितना भी कुछ बोल दूं, आप बोलोगे कि यार जो भी बोल रहा है राजू सिंह को बोल देने दो, बोल देने दो। मैं तो वही करूंगा जो मेरे को करना है, तो मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, आपका वही होगा जो आपका अभी हो रहा है, कोई बेहतर नहीं होने वाला है। आपको बदलना पड़ेगा। अगर सक्सेस करना है तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तभी होगा। अगर बदलाव नहीं करोगे तो आपका सक्सेस भी नहीं होगा, आप टूट जाओगे एक दिन। अपने आप को बदलना पड़ेगा। मौसम एक तरह का नहीं है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है। आपको भी अपने को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, समय के हिसाब से, टीम के हिसाब से आपको आपको अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो बदलाव के लिए हम लोग रेडी है? रेडी है? सपना दिखाई दे रही है कि हम लोग अभी जिंदगी में कुछ होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? आप लोग तो बोलो कैसे होगा। काम करना पड़ेगा। करोगे? करिएगा? नहीं जी, मैं किसी को बोलता हूं, मैं बोलता है आपका कंपनी नहीं रहेगी, भाग जाएगी, शर्म लगता है। कितने लोगों को शर्म लगता है? क्यों शर्म लगता है? कटरीना कैफ को जो शॉट पहन के हुल्लाला हुल्लाला करने में शर्म नहीं आ रही, आपको क्यों शर्म लग रहा है? क्यों शर्म लग रहा है? क्यों शर्म क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग अपना काम नहीं जानते हैं, इसलिए शर्म लगता है। हम लोगों को बोलेंगे, लोग हां बोलेंगे, ना बोलेंगे। लोगों का बोलना मेरा काम।
बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई अभी आएगा कोई बाद में आएगा, अभी अभी नहीं आएगा बाद में नहीं आएगा, उसका बच्चा बड़ा होगा उसको समय को ज्वाइन करेगा, आएगा तो सीओ जाएगा क्या? तो आएगा, हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों को लगता है दिल टूट गया। लड़का लोग हम लोगों को फोन करता है, दादा साला ना बोल दिया। कितने ना बोल दिया? साला ने ना बोल दिया। क्यों? साला मतलब वाइफ का भाई। शादी के बाद में सबसे प्यारा कौन होता है? साला। कौन मम्मी प्यारी होती है, नई वाली ना पुरानी वाली? नई वाली। वही अपनी मम्मी को देख देख कर चेहरा ना बोर हो गए, खाले 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 खाले। और नई मम्मी आती तो बेटा खालो, क्या बोलती है? बेटा खालो, कितना अच्छा लगता है। नई मम्मी अच्छी है कि नहीं? अपना भाई को देखते देखते अभी बोर हो जाता है। शादी के बाद में कौन भाई अच्छा लगता है? साला अच्छा लगता है, लगता है। ये हकीकत है, कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरे को भी लगता है, क्या करें, है कि नहीं? और वो साला अगर ना बोल दे, भाई को छोड़ दिया, साले को अपना लिया, वो साला अगर मेरे को बोल दे कि भाई सर ये होने वाला नहीं है जीजा जी, ये फालतू काम है, मैं नहीं करूंगा, उस समय दिल टूटता नहीं है, चूर चूर हो जाता है, होता है कि नहीं? तब उस समय लड़के लोग हम लोगों को फोन लगाते हैं, बोलते हैं दादा साला भी ना बोल दिया। ना बोल दिया क्यों तकलीफ है भैया? ना बोल दिया तो अब ना नहीं सुनोगे, अब जिस काम में हो आपको ना सुनना पड़ेगा। आप अगर ना नहीं सुने हो इसलिए आप नीचे बैठे हो। अब जितना ना सुनोगे उतना जल्दी इधर आओगे, जितना ना उतना जल्दी इधर। ना ना हा 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 ना सुना। अरे भाई सक्सेस का तो मंत्र यही है, आपको ना सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इज्जत चली जाती है, हमको लड़के लोग फोन करते हैं दादा इज्जत चली गई रिलेटिव में, दोस्त में, फैमिली में, गांव में चली गई। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि इज्जत चली गई? किसी की औरत का हाथ पकड़ लिया कि इज्जत चली गई? किसी बहन का हाथ पकड़ लिया, किसी दूसरी की बहन को कि हाथ चली गई? या मैंने ड्रग्स बिक्री करता हूं इसलिए इज्जत चली गई? क्या गलत काम किया कि मेरे को इज्जत चली गई? कि शराब बिक्री कर रहा हूं इसलिए मेरी इज्जत चली गई? इसका मतलब साफ जाहिर है कि हमको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी खुद भी नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। एजुकेशन हम लोग बेचते हैं, इतना गलत काम करते हैं। एक यंग यंग लड़का लोग है जिनके करियर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इस भाई को बोला, इस बहन को बोला कि बहन तू कर ले कंप्यूटर, तेरा करियर में अच्छा काम करेगा। मैंने बहुत गलत काम कर दिया। एक आदमी का हेल्थ अच्छा नहीं है, उसको हेल्थ प्रोडक्ट पकड़ा दिया, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। एक पढ़ा हुआ लड़का इधर ठोकर खा रहा है, इधर ठोकर खा रहा है, फ्यूल के लिए अप्लाई कर रहा है, चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है, दारू को चाय पिला रहा है, वो भी नौकरी नहीं रख पा रहा है। उस आदमी को शान से जीने के लिए, सीना चौड़ा करके, सर उठा करके जीने के लिए एक रास्ता मैं देता हूं, तो क्या मैं गलत काम करता हूं? गलत काम करता हूं? अगर इसी को गलत काम बोला जाता है तो मैं आप लोगों को बोल करके जाता हूं, एक गलत काम मैं मरते दम तक करूंगा। लोगों को एजुकेशन देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। लोगों को हेल्थ देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। लोगों को करियर देता रहूंगा, देता रहूंगा। अगर एक गलत काम है मैं मरते दम तक करूंगा, आखिरी सांस तक एक काम करूंगा मैं। सुनील शेट्टी को, आपको सनी देओल को शराब का एक दिखाते में शर्म नहीं आना, बैक पाइप पियो, उसको शर्म नहीं आती। फिल्म स्टार लोगों को सिगरेट का एक देने में शर्म नहीं आती है। हीरोइन को चांदिया पहनने के टीवी में चलते वक्त शर्म नहीं आती है। सलमान करेगा हाफ हाफ चांदिया पहन लेगा और चलेगा इस तरह, और पूरा 125 करोड़ लोग देखता है चांदिया में सलमान खान कैसा लग रहा है, उसको शर्म नहीं आ लग रही है। और हम लोग एजुकेशन बेच रहे तो इतना गलत काम कर रहे हैं। हम लोग हेल्थ किसी को दे रहा है तो गलत काम कर रहे हैं। आपको करियर दिया तो क्या मैंने गलत काम किया? आप लोग ये बात जब तक मानोगे नहीं है और अपने काम पर प्राउड फील नहीं करोगे, आपका सक्सेस नहीं होने वाला है। अगर आपका सक्सेस अगर हुआ भी है वो टेम्पोररी सक्सेस है, अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो अपने काम पर प्राउड फील करना पड़ेगा। यस, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करता हूं, या बोलोगे जिस दिल से बोलोगे, दिमाग से सोचोगे, जुबान से बोलोगे और उसी तरह काम करोगे, सक्सेस देखिएगा वो कैसे मिल करके आता है। मतलब कोई गलत काम नहीं करता है। कोई आता है बोलता है कि दादा उस गांव में एक आदमी किया था फेल हो गया, वो नहीं सक्सेस कर गया। मेरा
मेरा चचेरा भाई किया था वो नहीं किया, बोलता ही नहीं है सब। मेरा भैया एक्चुअली दूर के लगते हैं, उन्होंने नहीं, इनका सक्सेस नहीं हुआ। अरे भैया नहीं हुआ, कुछ ऐसा किया होगा जिससे नहीं हुआ। मैं जब किसी भी अपार्टमेंट में रहता हूं, वहां बगल में जो फ्लैट है उसकी बीबी भाग गई है, तो क्या मैं शादी नहीं करूंगा? क्या दूसरी की बीबी भाग गई मैं शादी नहीं करूंगा या अपने बीबी पर डाउट करूंगा? तो भाग गया तो भाग गया, उसकी कुछ कारण होंगे भागने के। वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसको देखने के लिए आप किसके लिए आए हो? उसको फोकस कीजिए, उसके लिए काम कीजिए, उसको अचीव कीजिए और चलते बनिए, और कुछ ज्यादा सोचने के लिए। बहुत बुद्धि है ना, हमने बहुत बुद्धि लगाते, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। अरे कुछ भी नहीं जानता भैया, कुछ भी नहीं जानता। हमने अभी एक भी नौकरी का इंटरव्यू दिया हो? एक भी नौकरी के सब लड़के जो बैठे हुए, एक भी इंटरव्यू दिए हो? नहीं दिए हो। आप क्या जानोगे कि नौकरी क्या होती है? अब क्या जानोगे कि नौकरी क्या होती है? आप जब इंटरव्यू दोगे, जब आपके पिछवाड़े पर जो तब पलेंगे, जो तब वो गाली खाओगे, जब आपके माँ बहन का गाली देगा, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई स्मार्ट वैल्यू कितना बेहतरीन काम था। अभी तो आपने तो गया ही नहीं है लाइफ में, तो गया ही नहीं उस फील्ड में। आपने देखा ही नहीं कि कितना कष्ट है, तकलीफ है, 5,000-10,000 रुपया कमाने। यहाँ पर एक लड़का कमाता है 20,000, दादा इनकम गिर गया है। तो क्यों भाई? तो अगला महीना ना 20,000 था, इस महीना में 19,000 रुपया है। जब अरे तुम्हारी एडुकेशन 12वीं तक है, 10 क्लास तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन घींच घाच करके किए हो, तुम अगर 50,000-30,000 रुपया कमाते हो तो सीना चौड़ा करके बोलो कि कमाते हैं। ये फीलिंग्स ही नहीं है। आप अगर मार्केट में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपसे आपका कितना रेट एक्चुअली लगना चाहिए। अब पेपर आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना, टीवी देखते हो? तो पेपर में अभी कुछ दिन पहले ही आया था, जब पीएम हमारे थे, राष्ट्रपति थे, वहां पर लिखा हुआ था पेपर में, आप लोग उद्यमी बनिए। इसका मतलब क्या है? आप लोग बिजनेसमैन कीजिए, अपना काम कीजिए, सरकार के पास में नौकरी नहीं है। आप छाती पीटते रह जाइएगा, झंडा उठाते रहिएगा, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला। नौकरी रहेगा तब तो मिलेगा, क्या करेंगे? और स्मार्ट वैल्यू के अंदर में आ जाता, हम लोग काम कर रहे, एजुकेशन बेच रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक बेहतर लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन इसको एज ए करियर मानने के लिए हम लोग तैयारी नहीं है। लिस्ट बिल्डिंग करेंगे नहीं, लोगों को इन्वाइट करेंगे नहीं, तो होगा कैसे? कैसे होगा? कैसे सक्सेस मिलेगा? कैसे गोवा जाइएगा? कैसे थाईलैंड जाइएगा? कैसे मलेशिया जाइएगा? इतना आसान है क्या जाने का? तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। आप लोग करेंगे तो ये सुनो, करेंगे तो करेंगे तभी होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, करेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होने का। हम लोग को ये बात बैठा लेना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग बनाना है, लोगों को इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन करना है। ये मेरा कर्म है। क्या है? कर्म है। ये आपको जानकर लगेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ये हमारा एक काम है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं मानते हैं? इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। हर आदमी क्या बोलता है? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, ये बनो, वो बनो। कोई बोलता है कि नेटवर्किंग करो? कोई नहीं बोलता है। ये सुनो, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? अरे नई इंडस्ट्री है, इसकी उम्र ही कितना है? 20-25 साल की उम्र है इस इंडस्ट्री का, अभी तक ठीक से जवान नहीं हुआ है। अरे होने तो इसको, तब इस इंडस्ट्री का कमाल देखोगे। अब यहाँ पर आप लोग, आप ही लोग का लीडर जो है, साधारण फैमिली का है, कहां से कहां चला गया, गाड़ी हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, सब कुछ हो गया। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हमको काम करना पड़ेगा। ये मन में आप डाल लो, काम हमको करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है, तभी सक्सेस आपका होगा, 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 अदरवाइज नहीं होगा। बहुत आदमी बोलते हैं भैया हो, हमको जानकारी नहीं है, हमको काम कैसे होता है जानकारी नहीं है। बहुत आदमी बोलते हैं ना, आप लोगों में से, आप ही लोगों से बोलते हैं, मेरे को आता नहीं है ठीक से, मैं क्या करूं? भैया आप कर दो, सीनियर को बोलते हो करने के लिए, आप नहीं करोगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप नहीं जानते हो, ठीक है, मान लेते आप काम नहीं जानते हो, आप घर में बैठे हुए हो, एक मान लो, छोटा सा कहानी बताता हूं, आप घर में बैठे हुए हो, आपके घर में और कोई नहीं है,
आपके पिताजी सिर्फ है या माँ है, मान लीजिए माँ है, माँ का अचानक तबियत खराब हो गया, आप कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गए हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे? मेरी माँ तड़प रही है और आज तक मैं हॉस्पिटल में नहीं गया हूं कि कैसे एडमिट करते हैं, कैसे उसको क्या करते हैं, मेरे को जानकारी नहीं है तो क्या करोगे? पड़ोसी के पास में जाओगे, कोई पड़ोसी नहीं है, आप ही सिर्फ है तो क्या करोगे? आपको आए या ना आए जैसे तैसे उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराओगे। क्यों कराओगे? क्योंकि अगर टाइमली भर्ती नहीं कराएंगे मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिताजी मर जाएंगे, इसलिए आप कराओगे। जिस दिन आपका ये एहसास हो जाएगा कि स्मार्ट वैल्यू में मैं काम नहीं करूंगा मेरी जीवन बर्बाद हो जाएगी, अगर स्मार्ट वैल्यू में मैं काम नहीं करूंगा मेरे एक बेहतर फ्यूचर नहीं है, उसी दिन से आपका काम होने लगेगा। ये चीज आपके अंदर में नहीं है। हम लोग तो गरीब घर का है, हम लोग जानते हैं कि अगर आप स्मार्ट वैल्यू हम लोग नहीं करेगा तो जिंदगी में कहीं भी जाकर खड़ा नहीं होगा। इसीलिए 10 साल 15 साल बहुत काम किया, इसलिए बहुत काम किया और काम करने के बाद में आज इस तरह का जीवन जिया। आज मैं कभी गरीब था, आज मैं गरीब नहीं हूं। मेरे बच्चे गरीब गरीब बाप के बच्चे नहीं है। कहीं गरीब बाप का बेटा बेटा बाप ना अपने बच्चों के लिए 30 लाख की गाड़ी नहीं देता है। अगर इसी को गरीब बोलते हैं तो हर आदमी गरीब होना चाहेगा, यस और नो? तो मैं गरीब था, कभी घर में तंगी थी, कभी पड़ोसी वाले आकर कुछ बोलते थे। आज पड़ोसी वाले डरते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं किससे बात कर रहे हैं। समाज में कलंक खाकर के चलते हैं, क्यों चलते हैं? सक्सेस आदमी है, ये बात को समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए ना, आज से स्टार्ट कीजिए ना, क्या होगा? आप प्रेजेंटेशन करेंगे दो चार को नाम नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी डॉक्टर जब अच्छा डॉक्टर बनता है दो चार 10 आदमी को ऊपर भेज करके ही अच्छा डॉक्टर बनता है। तो आपको भी अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो दो चार आदमी को आपको भी शहीद करना पड़ेगा, लेकिन कलम पेन तो उठाइए कम से कम काम करने के लिए। आपको सक्सेस करना है, आपको अचीवमेंट करना है तो कलम पेन आप ही को उठाना पड़ेगा। मैं नहीं उठाऊंगा, आपका सीनियर नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा। आप उठाने के लिए रेडी है? रेडी है? ये चीज करना पड़ेगा। और भी होता है, ये प्रॉब्लम क्या होता है टीम में, मैं छोटा छोटा प्रॉब्लम पर थोड़ा सा बात करता हूं। भैया ज्वाइनिंग कर लिया तो पैसा नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, है कि नहीं? भैया कैसे आया ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में बहुत अच्छी नहीं आया होगा, कारण क्या बताएगा? पैसा नहीं है ना। इसी को बोलते हैं भिखारी मेंटेलिटी। क्या बोलते हैं? भिखारी मेंटेलिटी। छोटा सोच वाला आदमी, इसी को बोलते हैं। हम लोग गांव में रहने वाले हैं तो हम लोग गर्मी के दिन में कल हम लोग चलाते हैं तो चलाते ही नहीं तो कल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। आप जब चलाओगे उधर से पानी नहीं निकलता तो क्या करते हो? पानी डालते हो, एक लोटा पानी लेकर के एक गिलास पानी डालते हो, जो था ढगा करोगे उधर से पानी निकलता है तो कितना पानी निकलता है? एक बाल्टी, दो बाल्टी, 100 बाल्टी, 1000 बाल्टी, कितना निकलता है? अब जितना निकालना है उतना निकाल लो। जो आदमी को यहाँ पर बैठा हुआ है या जो नहीं आए हैं, जिसके जिसका अगर एक ग्लास पानी डालने का औकात नहीं है, उसकी ये भी औकात नहीं है कि वो गोवा घूमे, थाईलैंड घूमे, मलेशिया घूमे और एक बेहतरीन गाड़ी पर चले, वो भी उसकी औकात नहीं है। जिसकी डालने की औकात नहीं है उसको लेने के भी औकात नहीं है। हम लोग भी कभी था, बहुत दिक्कत था, लेकिन एक लोटा पानी डालने का हिम्मत था और आज इतनी पानी निकल रही है, निकल रही है। कहां रखो, कहां रखो, रखो रखो रखो, रखते रखते परेशान रह जाओगे। लेकिन एक बाल्टी एक गिलास पानी डालने का हिम्मत रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सबको अटेंड करने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। मैं दूर नहीं जाऊंगा, हट ना भैया, दूर जाएंगे मिर्जापुर में काम करने के लिए, बड़ी दूर है। अगर एक नौकरी निकल जाए, चपरासी की नौकरी निकली है दिल्ली में, तब सुबह ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। एक अगर नौकरी निकल जाएगा, झाड़ू मारना है नागालैंड में, कभी नागालैंड का ट्रेन पकड़ लेगा, पकड़ के चला जाएगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में बोलेगा दूर है। अरे भैया सक्सेस करना है, दूर कुछ भी नहीं होता है, ये आपका मन का भ्रम है। हम लोग 3000 किलोमीटर को लोकल पकड़ के चलते हैं कि मैं जहां कोलकाता से हूं वहां से 3000 किलोमीटर की दूरी मेरे लिए लोकल बिजनेस है। इसका मतलब क्या है? इंडिया तो हो ही रहा है, अब इंडिया के बाहर की नजर है।
दायरा बढ़ाइए, सोच बढ़ाइए। दूर है, दूर है, दूर है बोलेंगे तो नहीं होगा। तो चपरासी के लिए नागालैंड क्यों जा रहे हैं, झाड़ू मारने के लिए दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो भी तो बहुत दूर है। लेकिन हम लोग इसको मानते नहीं है कि ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है, मेरा कैरियर है। जिस दिन मानेंगे उस दिन दूरी कुछ भी नहीं रहेगी, ये मानते नहीं। और भी होता है, बहुत कुछ होता है टीम में। मैं भी, मेरा भी टीम चलाते हैं, मेरे टीम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं इस तरह का, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप लोग बोलेगा दादा कुछ ऐसा न्यूज सुना, कुछ ऐसा न्यूज सुना। अरे क्या हुआ, मैंने तो देखा अनिल अंबानी के कल बारे में बोल रहा था, मैंने तो देखा मुकेश अंबानी के बारे में लोग बोल रहा है, मैंने तो देखा प्रधानमंत्री के बारे में लोग बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री को क्यों बोल रहा है, बड़ा आदमी है। मुकेश अंबानी पर लोग कमेंट क्यों करते, बड़ा आदमी है, दुनिया का पैसा वाले आदमी में गिनती होता है। हम लोग वो क्यों बोलता है, कोई आदमी अगर कमेंट करता है, भद्दा कमेंट भी करता है तो क्यों करता है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंपनी है, इसीलिए लोग हम लोगों को बोलता है। ये बात समझना, बात समझ में आ रहा कि नहीं, ये बात समझना पड़ेगा। एक बात मैं बोलूंगा, भैया थोड़ा एक मिनट आना, तो थोड़ा ईंट उठा कर देना, तो छोटा सा वो जो सामने दे, हाँ वो एक छोटा ईंट देना, एक छोटा ईंट भी देना, एक छोटा भी एकदम छोटा देख करके। सबसे ज्यादा निशाने वाला कौन आदमी है यहाँ पर, जिसका निशाना बहुत पक्का है, आप आइए। देखिए ये सबसे निशाने वाले आदमी है, इनकी निशाना बड़ी परफेक्ट है। यहां पर मैं एक छोटा सा ईंट रख रहा हूं, यहां पर रख रहा हूं, एक बार लग भी सकती है लेकिन मैक्सिमम यहां पर वहां तो उसको मारिए तो निशाना लगिए। भैया क्यों नहीं लगा, अब तो बड़े निशानेदार बन रहे थे भैया, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं लगी। अब आप देखिए भैया का खेला, देखिए भैया का खेला, देखिए इधर आइए, हल्का सा मारिएगा नहीं तो भाई हमको फाइन लगा देगा। उधर स्पीकर पर लगाइए तो फूट जाए, वो बड़ा वाला पर लगाइए तो। क्यों लग गया भैया, क्यों लगा उस पर, क्यों नहीं लगा, क्यों अपनी कंपनी बहुत बड़ी निशाना लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिसकी 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 औकात नहीं है ना छोटी वाली, वो बहुत छल छल मल मल फल फल करते रहता है, पक्की नहीं है। तो कोई आदमी आप पर निशाना लगाता है तो समझ लीजिए हम लोग हाथी हो चुके हैं। वो जो है जो छल छल मल मल किया हुआ है वो क्या है, वो चीटी है। बात समझ में आ रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। धंधा में है तो बोल दिया, बोल दिया। अरे कान देख कि कौवा ले गया है कि नहीं ले गया, बोल दिया तो कान चला गया है कि नहीं। तो इसको देखने को ये टेंशन नहीं लेने का, हम लोग पर निशाना लगा रहे। आज मेरे को गाली देना आसान है, अब बोलिए अगर राजू सिंह को एक बार गाली दीजिए, पूरा पूरा यहाँ कर 2000 लोग जान देंगे और इंडिया में भी लोग जान देंगे राजू सिंह को ने ट्रेनिंग में गाली दिया है। क्यों दिया भाई, आप मेरे को जानते हो, मेरे को इस तरह का बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए मेरे को गाली दोगे तो पूरा मार्केटिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत और भी कोई राजू सिंह अगर है उसको बुलाइए और गाली दीजिए, कोई नहीं जानेगा इसके बाहर भी गाली दिया। क्यों, बात समझिए, कंपनी की साइज बहुत बड़ी हो गई है। कितने लोगों का लगता है, यहां पर थोड़ा लेफ्ट में हाथ धरिए, तो लेफ्ट में धरिए, थोड़ा ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। लेफ्ट में हाथ धरिए और आंख बंद कीजिए थोड़ा सा समय के लिए, आंख बंद करके आप ये सोचिए आप स्मार्ट वैल्यू में नहीं है। बहुत हार्ड बात बोल रहा हूं, बहुत मैंने हम लोग सोच ही नहीं पाते कि स्मार्ट वैल्यू के बिना हम लोग जी सकते हैं। फिर भी 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि स्मार्ट वैल्यू आपके पास में नहीं है, आप स्मार्ट वैल्यू में नहीं हो। आपको दुनिया में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके द्वार पर 10 लाख रुपया की गाड़ी लगी है, दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है लाख रुपया की आप इनकम कर रहे हैं, जोर से बोलना, दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है कि आप विदेश घूमने जा रहे हो, आपको दिखाई दे रही है आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अब आप खोलिए और आप सोचिए कि स्मार्ट वैल्यू मेरे साथ है, इनकम 1 रुपया भी नहीं किया है। अब लेकर के फिर आप बन जाकर सोचिए अब स्मार्ट वैल्यू मेरे साथ है,
आपको दिखाई दे रहा है कि एक दिन गाड़ी द्वार पर लगेगी, द्वार के सामने दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है विदेश जा रहे हो, दिखाई दे रही है लाख रुपया कमा रहे हो, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? स्मार्ट वैल्यू में क्या करना है? लिस्ट बिल्डिंग बांधना ना, इन्विटेशन करना है, लोगों को ज्वाइन करना है, यही काम करना है। कितने दिन तक काम करना है? जब तक भगवान स्विच ऑफ नहीं करेगा तब तक करना है। रेडी है? रेडी है? आप लोगों के घर के सामने एक साल, दो साल, पांच साल के अंदर में आपका एक बेहतरीन कार आपके घर के सामने लगी रहेगी, एक बेहतरीन घर होगा, विदेश घूमने जाओगे, लाख लाख रुपया इनकम करोगे। ये है पावर स्मार्ट वैल्यू का। तो इधर उधर छिछोड़े की तरह क्यों देखते, क्यों देखते? घोड़ा की तरह नाल पट्टे लगाओ और एक की तरफ देखो। स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस और कुछ नहीं देखना है। रेडी है कि नहीं? ज्यादा नहीं लूंगा, और पांच मिनट आप लोगों का लूंगा, लेकिन एक बात जो बोलना चाहिए तो स्मार्ट वैल्यू मेरे को दिया है वो तो बात बताना ही चाहिए, तो मेरा सीक्रेट है, मैं हर ट्रेनिंग में ही बोलता हूं। अब उम्मीद करता हूं कि शायद दो लोगों की आंख खुल जाए, शायद दो लोगों की आंखें खुल जाए। स्मार्ट वैल्यू से गाड़ी होता है, ऐसे लोगों को आप जानते हो? जानते हो? जोर से बोलिए, जानते हो? स्मार्ट वैल्यू से लोगों ने घर बनाया, लोगों को जानते हो? स्मार्ट वैल्यू से लोग विदेश घूमने गए हैं, जानते हो? स्मार्ट वैल्यू से लोग लाखों लाखों हफ्ता कमाते हो, जानते हो? ये बात आप जानते हैं, मैंने ऐसा कोई नया बात नहीं बोला, लेकिन अब मैं आपको एक नया बात बोलने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। आप जब प्रेजेंटेशन करने जाते हो या लोगों को फॉलोअप करने जाते हो तब क्या बोलते हो? फॉरेन ट्रिप मिलेगा, टाइम कंपाउंडिंग करोगे, फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी, बोलते हैं ना? हर एक बंदा का फोटो आना चाहिए, मतलब हम लोग समझता है कि क्या बोल रहे हैं, नहीं समझते। हम लोग टाइम कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत भारी वर्ड है, बहुत भारी है। इसको समझने के लिए ना आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा। मैं एक बिजनेस ट्रिप में गया, एक इसी तरह जैसे आप लोग ट्रिप में आया हूँ, इसी तरह एक देवघर में मैं ट्रिप में गया था। अब देवघर का तो लड़का है ही है वहां पर, तो मैं ट्रिप में गया, मैं सामने गाड़ी में बैठा हुआ था, जा रहा था, फोर व्हीलर में था, सामने थे एक जो माल लेने वाली गाड़ी नहीं होती टाटा की, वो मार दिया मेरे, गाड़ी में आकर धक्का मार दिया, गाड़ी तीन चार बार पलट गई। इत्तिफाक से आपको जानकर के हैरत होगी, चोट तो सभी लोगों पे लगा, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक चोट हमी को लगा, सबसे ज्यादा चोट मेरे को लगा। ये मेरा सर जो है खुल गया, मेरा हाथ अभी भी टूटा हुआ, मैंने ऑपरेशन किया हुआ है, मेरा कमर टूट गया, टूट गया, पूरा सर एक खुल गया था। इसके अंदर में 56 बटन सिलाई है, 56 के आसपास था सर के ऊपर। लोग मेरे को एक लड़का उसी में था, थोड़ा सा कम चोट लगा था, उठा करके मेरे को किसी तरह एक छोटा सा हॉस्पिटल में लेकर के गया। डॉक्टर बोला ये आदमी बचेगा नहीं, मैं हल्का था सुना, मैंने रिएक्ट किया, कैसे नहीं बचूंगा, लेकिन मैं फिर बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया। मैं 56 सिलाई हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ, कमर का भी हुआ, मेरे को ठीक होने के अंदर में, ठीक होने में कम से कम 4 साल लगा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, तीन महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 4 साल लगा। मैंने स्मार्ट वैल्यू के अंदर में 15 साल मैं बोलता हूँ, बेसिकली मैं 10 ही साल काम किया हूँ, 4 साल तो चला गया इसी तरह। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन जब मेरे को होश आया तो डॉक्टर मेरे पास में आईसीयू में आया, बोला अब क्या करते हो? हम बोला देखिए कि मार्केटिंग कंपनी में काम करना है, अब तो अपनी शरीर भी उतनी अच्छी नहीं है, काफी वीक हो गया था, अब कितना बोलूं, लेकिन हम लोग तो भाई मरने से पहले भी कोई ऑफर देगा तो उसको देंगे ही देंगे, मतलब मार्केटिंग में काम करते हैं। बोले आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो भी काम करते हो, मैं अपने 30 साल की करियर में आज तक ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं मिला जो ऐसा ऐसा बात बोल रहा था। मैंने बोला मेरे को तो कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या बोला,
देखो आपको याद नहीं है, लेकिन जब हम लोग अपना आपका प्रेशर कर रहे थे सर का, उस समय जब आप ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहे थे बेहोशी के हालत में, वो सुन करके हम लोग दंग रह गया था। ये आपकी कंपनी ना बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो आप लोगों को जीना सिखाया है। और बोल करके गया, कुछ बोला हमको कहा कि जानते हैं आपका जो जो जान जो है ना, और किसी के वजह से नहीं मिली है, इस कंपनी के वजह से मिली है और आपकी एटीट्यूड के चलते मिली है। एटीट्यूड की चलती रहती है, यानी हम लोग ऐसे लोग हैं जो यमराज का भी दरवाजा खटखटाकर भागने वाले हैं, है कि नहीं? तो मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा है, अब तो जिंदगी में कोई गम और सिकवा भी नहीं है। अब ये भी डर नहीं लगता है कि मैं रहूं या ना रहूं, बाल का बच्चे का क्या होगा। आई डोंट केयर यार, स्मार्ट वैल्यू है चलेगी, साले अपने तो कुछ भी कर लू, इनकम तो रुक नहीं है। आदमी का कमी खा सकता है, लेकिन इनकम पैसा की कमी नहीं करेगी। उस एक्सीडेंट के अंदर में मैं किसी तरह बचा, फिर मैं कोलकाता आया। मैं करीब करीब कोलंबिया एशिया में 13 से 14 बार एडमिट हुआ, 36 लाख रुपया खर्चा किया और 4 साल ट्रीटमेंट किया, और मैं आपके सामने खड़ा। क्यों बोल रहा हूं, इससे बड़ा ट्रेनिंग दुनिया में कुछ नहीं होती है। 4 साल ट्रीटमेंट कराने के बाद में 36 लाख रुपया खर्चा करने के बाद में मैं आपको खड़ा हूं। खड़ा हूं ये बड़ी बात नहीं है, इतनी मेजर एक्सीडेंट होने के बाद में भी ना तो मेरे सर में कुछ हुआ, ना मेरे हाथ में हुआ। आज मैं जिम जब करने जाता हूँ, एक एक हाथ के अंदर में 33 kg का 25-25 kg का डंबल लेकर के इस तरह उठाता हूँ, और ये हाथ फर्स्ट क्लास काम करती है जिम के अंदर। टूटा हुआ हाथ है, काम तो अपने को है नहीं, तो क्या करता हूँ, जिम करता हूँ। कुछ सोच रहा हूँ कुछ सोसाइटी ज्वाइन कर लूँ, अपन को तो काम है नहीं। तो हाथ इतना बेहतरीन काम करता है, दिमाग पहले जितना काम करता था उसे 10 गुना ज्यादा काम करता है। क्यों? मैंने बोला अचानक अपने बीवी को, अरे यार दिमाग हमको लग रहा पहले से बेटर काम कर रहा है। तो बीवी बोली कि हाँ आपका पहले से ऑब्जर्वेशन ठीक हुआ है, मेरे को भी लग रहा है। बोला ऐसा क्या खा लिया भाई? तो मेरे को याद है मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ निकाल दिया था, जितना निगेटिव ब्लड था उस एक्सीडेंट के अंदर में सब निकल गया था, आज खाली पॉजिटिव ब्लड रहा होगा। समझ में आ रही है सोचने का तरीका, आप कैसे दुनिया को देखते हो, इसी में तो दुनिया टिकी हुई है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा शादी का मात्र 3 साल के आसपास में हुआ था, 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरी बेटी थी उसका मात्र 2 महीना का उम्र था, आज मेरी बेटी 6 साल की हो गई है, 6 साल प्लस, एक बेटा भी हो गया है 5 साल का। मैं 2000 लोगों के साथ एक बात पूछना चाहता और बताना चाहता कि जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, उस समय डॉक्टरों ने जब हाथ उठा दिया, उस समय मैं जाकर के मेरी बीवी भगवान से दुआ करती ना कि भगवान मेरे पति का जान वापस कर दे, तो शायद भगवान ना करते। मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, और उस समय मैंने पूरे मां बाप जाकर भगवान से दुआ करते, शायद भगवान उनका दुआ ठुकरा देता। जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, उसमें मेरे रिलेटिव दोस्त यार जाकर भगवान से दुआ करते, बहुत अच्छा आदमी इसका जान वापस कर दे, शायद भगवान इसकी दुआ को ठुकरा देते। लेकिन जो आदमी आईसीयू में लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है, स्मार्ट वैली के 30 लाख लोग अगर एक साथ दुआ करते हैं इसकी जान को वापस कर दे, भगवान भगवान में इतनी हिम्मत है कि मुझे उठा ले कर जाए। कौन बोलता है स्मार्ट वैल्यू के अंदर में गाड़ी होती है, घर होती है, पैसा होती है? स्मार्ट वैल्यू में एक बढ़ता हुआ आदमी का जान भी वापस मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। आज मेरी बेटी मेरी गोद में खेलती है, मेरे साथ स्कूल जाती है, मेरे कली लहंगा खरीदी, हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, 21 तारीख मेरे एक रिलेटिव का शादी है, लहंगा खरीदी मेरे व्हाट्सएप पर फोटो भेजी कि पापा है कैसा लग रहा है। आज मेरी बेटी मेरी स्कूल जाती है, मेरे बाहों में खेलती है, आज बहुत तरह के होता है बच्चों के साथ। आज 2 महीना की बच्ची को उसका बाप वापस मिला, कहां से मिला, कहां से मिला? आज मेरे बूढ़े माँ बाप उनका मैं सहारा हूं, उनका सहारा कहां से मिला? आज मेरी बीवी सिंदूर लगाती है,
चेहरे पर मुस्कान रहता है, ये सिंदूर कहां से मिला? मैं अपने आप को बेच भी डालू ना, अपने आप को अगर बेच भी डालू ना, स्मार्ट वैल्यू का कर्जा नहीं था। आपको स्मार्ट वैल्यू करने में शर्म आती है? मैं कम से कम 25 कंट्री घूम करके आया हूं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म हो आप मेरे को आकर बताना। सबसे पहले स्मार्ट वैल्यू मैं छोड़ूंगा, आप नहीं दिखा पाओगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जहां तक गाड़ी होती है, पैसा होती है, रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि तो मैं ना बच्ची को उसका बाप मिलता है। वनली एक ही प्लेटफॉर्म, एक आदमी का जिंदगी वापस मिलता है, एक औरत का उसका सुहाग मिलता है, एक बूढ़े माँ बाप का उसका सहारा मिलता है। ये है स्मार्ट वैल्यू, ये मैंने अचीवमेंट दिया है 15 साल देने के बाद। किया है इसलिए मैं फ्री बोलता हूं, और मैं आपको यहां से बोलते भी जाता हूं। लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूं, दुनिया में इधर से उधर कुछ भी हो जाए मेरा बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं नेटवर्किंग करता हूं, प्योर नेटवर्किंग करता हूं। मैं टाइम को पाने के लिए काम करता हूं, मैं पैसा के लिए काम नहीं करता। पैसा इज ए बाय डिफॉल्ट, मनी इज ए बाय डिफॉल्ट, फॉरेन ट्रिप इज ए बाय डिफॉल्ट। मैं अपना 100% देता हूं, इसलिए देता हूं, टाइम कंपाउंडिंग के लिए देता हूं, कि मैं रहूं या ना रहूं या रिटायरमेंट लाइफ लीड करूं, मेरा काम होता रहे, मैं उसके लिए काम करता हूं। ये चीज बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने 4 साल काम नहीं किया, और आपको जान के कहना पड़ेगा, एक्सीडेंट के दौरान जो मेरा इनकम आता था वहां से मेरा इनकम कम नहीं हुआ, वहां से इनकम करके मेरा 1.5 गुना ज्यादा हो गया। अगर मैं 2 लाख रुपया कमाता था, एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैं 3 लाख रुपया कमाता था। कैसे? क्यों? आप नहीं काम करोगे आपका बिजनेस चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? आपने नेटवर्किंग नहीं किया है। एक आदमी 4 साल तक अगर बिजनेस में नहीं काम करता है, ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है उसका पेमेंट नहीं आया है, हर हफ्ता पेमेंट आता गया, मैं अपना ट्रीटमेंट कराता गया, 1 रुपया कर्जा नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस स्मार्ट वैल्यू में मैंने 10 साल दिया था। बात समझ में आ रही है? आपको ये सोचना है, आपका शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हो? ये बिजनेस मैं अपने बेटे को देख के जाऊंगा, मैं इसलिए काम करता हूं। मैं कभी भी सपने में नहीं सोचता मेरा बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। मैं हमेशा भगवान से एक ही बोलता हूं कि भगवान उसको बुद्धि देना कि वो कम से कम नेटवर्किंग करे, दुनिया में इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका बाप भूल चुका है। तो जो आदमी अपने बच्चे को कुछ देना चाहता है उसके साथ कैसे करेगा गद्दारी, कैसे करेगा गलत काम? नहीं कर पाएगा, नहीं कर। तब आदमी एथिकल बिजनेस का हाथ पकड़ता है, सही बिजनेस का हाथ पकड़ता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप करियर करते हो एथिकल बिजनेस करो, सही बिजनेस करो, थोड़ा स्लो ही क्यों नहीं होता है उसको धैर्य करो, उसके बाद में एक ना एक दिन तो प्लेन उड़ेगी तो फिर आएगी नहीं नीचे, आपको मैं बोल करके जा रहा हूं। बहुत सारे आप लोगों को देखा होगा, गाड़ी होती है, घर होती है, स्मार्ट वैल्यू में जो मिलता है ना, दुनिया का किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिलेगा। आपको चाहिए? आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तो बच गया। आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, बोलना भूल गया मैं। रखना अपने सर पर रखे जाना, सक्सेस चल कर क्या अगर पूछेगी, बोलेगा बेटा तेरे को क्या मांगता है, ये पूछे नहीं का। इसके साथ आप रहिएगा। यस सर, थैंक यू।